ये तो पूरा खत्म हो गया भाई। होंडा ने ऑरा को गौरव कर दिया है। अनदर व्लॉग, आज है 7 सितंबर, साथ ही है ना आज कि 6 भाई, घर पे दिन का ध्यान ही नहीं रहता क्या है क्या नहीं। तो आज 6 सितंबर है, वैसे आज जन्माष्टमी है श्री कृष्ण जी की, तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से और हमारी मम्मी जी की तरफ से। हमारे यहाँ पे भी अभी पालना सज रहा है, आपको बताते हैं। ये देखिए एकदम छोटा सा प्यारा सा पालना। कल के दिन टीचर्स डे था भाई, और अपन अपने जो 10th तक के ट्यूशन टीचर्स हैं जिन्होंने अपने को बहुत अच्छा गाइड किया, और उन्हीं के स्टेपिंग स्टोन्स और उन्हीं के गाइडेंस के ऊपर अभी अपन एक करियर वरियर में अपन एंटर हो रहे हैं, तो उनसे भी मिले अपन। उनमें से कुछ के साथ अपन ने थोड़ा वार्तालाप भी किया ब्लॉग में, तो वो क्लिप अभी इसके आगे दिखेगी आपको। अपन अपने 10th की ट्यूशन में आए थे भाई टीचर्स डे मनाने के लिए। कैसा लगा आपको हमसे मिलकर? नहीं, हमसे मिलकर कैसा लगा? फीलिंग तो सबसे ज्यादा अच्छी है, तुम लोग जो लेके आए मेरे लिए, सर के लिए, प्रियंका मैडम के लिए, थैंक यू वेरी मच मैम। वो फीलिंग सबसे बेस्ट, वो फीलिंग हमको कभी वापस नहीं मिली। तो जितने भी अपने टीचर्स हैं, गुरुजन हैं जो मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, उन सबको भी रिलेटेड हैप्पी टीचर्स डे। पूजा करते हैं, पहले मम्मी कर रहे हैं, उसके बाद अपन थोड़ा बहुत पूजा पाठ कर लेंगे, उसके बाद फिर से आपसे मिलते हैं। भाई जन्माष्टमी के दिन मैंने आज ऐसा डिसाइड किया है कि अपन उपवास रखेंगे, खाने पीने का तो रखेंगे ही, सिर्फ पानी पे अपन आज रहने वाले पूरे दिन, और एक टाइप का उपवास जो कि है सोशल मीडिया उपवास। तो आज अपन बिल्कुल भी सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहेंगे, अपन बस थोड़ा अपने कोर्सेज पे काम करेंगे, एक दो चीज़ें नई सीखेंगे विच इंक्लूड दिस, और आज बस वही करेंगे। शाम में अपन इस्कॉन टेम्पल वगैरह जाएंगे, और बाकी तो कोर्स करेंगे आज अपन जो कि अपने बचे हुए और पेंडिंग काम जितना भी पड़ा है वो ख़त्म करेंगे। मेरा मेन गोल ये रहेगा कि मैं 1.5 घंटा 2 घंटा तो भी कोर्स जो मेरे चालू है उनको दे पाऊँ, 2 घंटा ये बंदे को दे पाऊँ। तो शुरुआत करते हैं अपने कोर्स से। वही अपन ने आज के दिन को इन 7 टास्क में डिवाइड कर लिया है, एक अपने इस पे लिख के, ताकि टिक मार्क करते जाए तो वो वाली फीलिंग, वो सेटिस्फैक्ट्री फीलिंग अपने को मिलती रहे। बाकी अभी बज रहा है 11:20 और अभी चलते हैं अपने पहले टास्क के। क्या लगता है आपको कितने टास्क कंप्लीट कर पाऊंगा, कमेंट्स में बताइए, और जानने के लिए लास्ट तक बने रहिए। तो गाइस आई जस्ट रियलाइज्ड बारिश ने दस्तक दे दी है अपने को ऐसे 5 बजे निकलना था, लेकिन अभी 5 एग्जैक्ट बज चुके हैं और बाहर बारिश चालू है, तो अपने को और 1 घंटा मिल गया है। अपने कुछ टास्क बचे हुए हैं, अपन ने सीरीज़ देख ली बीच में, थोड़ी एक नींद भी ले ली थी, जनरेटिव AI का कोर्स किया, और 2-3 चीज़ें हैं जो अपने को करनी है, तो अभी वो कर लेते हैं। 3 hours later तो गाइस अभी रात के 8:30 बज चुके हैं, मेरी हालत फुल टाइट है, बहुत सर दर्द कर रहा है, पैर दर्द कर रहे हैं मेरे। अभी विषय ऐसा हो गया, मंदिर जाना था अपने को इस्कॉन टेम्पल, लेकिन बारिश 7:30 बजे तक चालू हुई, तो वो कुछ जाना पॉसिबल ही नहीं हुआ, क्योंकि अपने को शाम में जाना था। उसके बाद तो मैं सो ही गया था, फिर मेरा ध्यान ही नहीं, अभी उठा मैं। भाई गिटार पे मैंने गाना तो नहीं सीखा, लेकिन मैंने कॉर्ड सीख लिए। गाना सीखने को टाइम लगेगा मेरे को प्रॉपर क्लास लगा के, लेकिन ठीक है, शुरुआत अच्छी की मैंने आज। ऐसा टिक मार्क करके अच्छा लगता है, मेजॉरिटी चीज़ है तो सही है। अगर पॉसिबल हो पाता है तो अपन आज जाएंगे, नहीं जाएंगे लेकिन नहीं 12 बजे, लेकिन अपन आरती ज़रूर करेंगे, क्योंकि जन्माष्टमी है तो ऑब्वियसली वो पूजा भी तो होगी, उनका जन्म सेलिब्रेट करेंगे अपन प्रॉपर 12 बजे। तो सीधा अभी तभी उठ गया, फिर से सोने जाता हूँ मैं। हैप्पी बर्थडे कृष्णा जी। गुड मॉर्निंग गाइस। तो भाई कल रात में बहुत भयानक सीन हो गया था, रात को 3:30 बज गए, मेरे को नींद आने को तैयार नहीं, बहुत पेट दर्द कर रहा था, बट कोई नहीं, फिर भी सो गया मैं। सुबह उठा, थोड़ा फ्रेश वगैरह हुआ और बस चाय ली अभी तक,
और अभी अपन अपना फर्स्ट मील लेने जा रहे हैं भाई। बढ़िया एक्सपीरियंस रहा भाई, मतलब ऐसा एक दिन पूरा वाटर पे रहने में मज़ा आ गया एकदम। हफ्ते में एक हाथ एक बार ऐसा करना चाहिए तो कैसा वजन सिस्टम मेंटेन रहता है। अभी जल्दी से खाना खाते हैं भाई, बिल्कुल रह नहीं जा रहा। तो गाइस अपन रेडी हो चुके हैं अपनी दीदी के साथ और अपन जा रहे हैं जवान देखने के लिए, और जवान देख के आपको बता दे कैसा है। बहुत एंटिसिपेटेड मूवी है और मैं अभी एक दो दिन में फिर से शेरगांव जा ही रहा था तो सोचा देख के ही जाते हैं। दीदी से पूछा चल रहे हो, उन्होंने कहा चल ले, अब हम चल रहे हैं मूवी देखने। एक्साइटेड? यस फॉर द जवान, लेट्स गो। चलो मिलते हैं आपसे। मस्ट वॉच, एक जरूर आके देखो, थिएटर में आके देखो, थिएटर में सही मजा है कसम से। शाहरुख खान का बेस्ट परफॉर्मेंस और बॉलीवुड का कमबैक बोल सकते हो, सही में बहुत बढ़िया मूवी है भाई, मस्ट रिकमेंडेशन। यहाँ पर जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन चालू हो गया भाई, देखो देखो। ज़्यादा बारिश हो रही है लेकिन फिर भी दूध इम्पोर्टेंट है। मम्मी को बोला बहुत ज़्यादा बारिश है, दूध ले गया यार, तो पूरे भीग गए हम दोनों। चलते हैं अभी घर पे, चलो। ये लो आपका दूध, मतलब इसके लिए इतने भीग गए हम। तो गाइस मैं और मोहित दहीहंडी देखने आए, थोड़ा लेट हो गए हम, 10:15 हो गए, तो बहुत सारी जगह बंद हो गया है, यहाँ पर लेकिन चालू है गैस, देखते हैं अभी। तो भाई पिछले साल भी मैं और मम्मी आए थे तो वो वहाँ पर प्रभाकर टॉकीज के सामने कंपटीशन टाइप था, तो ये वही लग रहा है क्योंकि यहाँ अलग अलग जो है मंडल के लोग वो आके फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और अभी हमारा लक अच्छा है कि अभी एक मंडल आ रहा है फोड़ने के लिए कि वो उधर मेन जज वगैरह है, जो मेन गेस्ट वगैरह है, और ये रही यहाँ पे दहीहंडी की पब्लिक। देखो भाई पूरा कच्चा गज भरे हुआ है, हमको लगा खत्म हो गया सब जगह पे, लेकिन है भाई सारी भीड़ यहाँ पे। ये देखो भाई और ये ग्रुप ने ट्राई किया भाई, ओ हाय हाय, अभी एडिटिंग पे बैठा था और मैंने एक चीज नोटिस की, आप पहले क्लिप देखो, ये देखो इसने ना ये दहीहंडी फोड़ दी इधर, ठीक है एक सेकंड, ये देखो ये इसने यहाँ पे फोड़ दी है, ठीक है। और हमने देखा भी, हमने जय घोष वगैरह सब किया, लेकिन पूरे व्लॉग में हम यही कंफ्यूजन में थे कि फूटी कि नहीं फूटी। तो आ गया, आप देखिए भाई क्या चूतिया लोग यार, भाई पता नहीं कि सब लोग वापस जा रहे हैं, उन्होंने फोड़ा भी नहीं, फूटी नहीं इन लोगों से, ठीक है ये सर स्कैम हो गया क्या। तो भाई उन्होंने फोड़ी, हमने देखी नहीं बस, कह रहे भैया हाँ क्या, हमने देखी नहीं यार। स्कैम ही हो गया, दूसरी जगह चलना, अभी दूसरी जगह चलते हैं, वहाँ कहीं बची हो तो चल। हमारे दुनिया में ऐसी बहुत सारी जगह पे ऐसे इवेंट्स होते हैं, ये वन ऑफ द प्लेस था। अभी और बाकी जगह देखते हैं कहाँ कहाँ फूट रही है, और चांस मिला तो देखते हैं। ये इधर भी ख़त्म हो गया ब्रो, ये चौक भी पूरा खाली हो गया, झगड़ा इधर भी हो गया, ये क्या बैनर लगे ना, ये फूट गई फूट गई, पर भी कुछ नहीं है। भावा इतना आसपास कूड़ा था, दहीहंडी होता सेल का तिकड़ा होते है का? चल थैंक यू मित्रा। एक जगह अपने को पता चली, वो भाई ने बताया कि आगे जाओ, आगे हो रही है, तो देखते हैं अपना लक कितना अच्छा है। मोहित तो क्या लगता है मिलेगा क्या? शायद मिल जाए, वो तो कॉन्फिडेंट लग रहा था। हाँ हाँ वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था एक्चुअली, जाओ जाओ मिलेगा ही मिलेगा ही।
तो देखते हैं अभी अपना लग। इधर तो बैनर वैनर भी उतर गए, ये तो पूरा खत्म हो गया भाई। ट्रिप खराब है भाई अपना, ये एक लास्ट जगह उधर भी खत्म हो गया, अब भी प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन हो। अभी थोड़ा हाईवे पे आए अपन, गेड़ी मार के घर चलते हैं अभी। भाई ये सामने वाली गाड़ी ने होंडा ओरा को गौरव कर दिया है। सही में हो रही है ना लेकिन। अरे सर लोग क्या क्या करते हैं यार। घूमते घूमते हम दोनों आ गए हैं दुलिया की फेमस लस्सी वाले यहाँ पे महालक्ष्मी। तो चीयर्स चीयर्स। तो भाई आज है 8 तारीख, कल बहुत मज़े किए मैंने और मोहित ने। घर पे आए हम उसके बाद, तो वो भी घर पे अपने चले गया था। सुबह उठा, पैकिंग वैकिंग कर रहा था, डॉक्टर के पास जाके आया जिसके लिए मैं रुका था यहाँ पे। तो डॉक्टर ने ग्रीन चिट दे दिया अपने, जो वो पित्त का प्रॉब्लम हो गया था इसके लिए मैं रुका था यहाँ पे एक्सटेंडेड, तो वो पूरा रिकवर हो गया अभी, तो मैं कल से कंटिन्यू कर सकता हूँ। आज रात को शेगांव के लिए निकल रहा हूँ मैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। ये मेरा 50th व्लॉग है, तो थोड़ा एक सॉर्ट ऑफ बड़ी चीज़ है मेरे लिए। तो आई गेस आपको अभी तक मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो, इसमें कुछ भी चेंजेस हो या कुछ भी ऐसा चीज़ हो कि आपको लगता है मैंने ट्राई करनी चाहिए, तो प्लीज़ कॉमेंट्स में बताइए। बाकी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर लेना। अंटिल देन स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी। चलिए।